कमर्शियल माइनिंग के खिलाफ मजदूर संगठनों का धनबाद में दिखा दूसरे दिन भी हड़ताल का असर। देशव्यापी कमर्शियल माइनिंग के खिलाफ कोलांचल धनबाद में दूसरे दिन भी हड़ताल का जबरदस्त असर देखने को मिला। पहले दिन पूरी तरह से कोयला का डिस्पैच क्षेत्र है, मजदूर अपना अटेंडेंस भी नहीं बनाए। वहीं दूसरे दिन मजदूर संगठनों का कमर्शियल माइनिंग वापस लेने की मांग को लेकर दूसरे दिन भी संयुक्त मोर्चा का आंदोलन जारी है। धनबाद के विभिन्न कोलियरियों में संयुक्त मोर्चा का आंदोलन दिखा, जिसका असर बीसीसीएल पर पड़ा, जिसके चलते बीसीसीएल का अब तक अरबों रुपए का नुकसान का सामना करना पड़ा। वहीं मजदूर संगठनों ने कहा कि जब तक मोदी सरकार कमर्शियल माइनिंग को वापस नहीं लेगी, तब तक मजदूरों का आंदोलन जारी रहेगा। जिंदाबाद, अरे मोदी सरकार तुम होश में आओ, मोदी सरकार तुम होश में आओ, इंकलाब जिंदाबाद, बोल बोल के नीलामी करना तुम बंद करो, बोल बोल के नीलामी तुम वापस लेना होगा, कमर्शियल माइनिंग वापस लेना होगा, अरे सड़क कानून में बदलाव तुम वापस लो। एक मोर्चा के बैनर तले जो है ये हड़ताल पूर्ण रूप से सक्सेस है और जो है हर जगह चक्का जाम है, और जो है ये सरकार जो है जो अपनी रणनीति लगाई है जो है मजदूरों के जो है कुठाराघात करने का, वो जो है वापस लेना होगा। कमर्शियल माइन के माइंस के विरोध में हम लोग जो है ये हड़ताल को पूर्ण रूप से सफल कर रहे हैं, और जो है ये सरकार को घुटना टेकना होगा और जो है ये कमर्शियल माइनिंग वापस लेना होगा। 100% सफल है पूरे कोल इंडिया में, जितने भी हमारे अस्थायी भारत सरकार के द्वारा जो देश में कोयल कमर्शियल माइनिंग किया गया है, और कोल इंडिया के अंदर सीएमपीडीएल को बाहर करना, सीएमपीएफ को ईपीएफ में विलय करना, श्रम कानूनों में संशोधन करना, इन तमाम मुद्दों को लेकर के 3 दिवसीय हड़ताल हमारा स्टार्ट है और आज दूसरा दिन भी हड़ताल हमारा सफल है। ये हड़ताल पूरी तरह सफल हुआ। आज ये हड़ताल आप देख रहे हैं, ये 3 दिवसीय हड़ताल जो है ये सरकार को पूरी तरह से घुटने टेकने पर मजबूर करने वाला हड़ताल है। आपको हम बता देते हैं, ये सरकार ने जिस तरह मजदूरों पर हमला किया है, ये मजदूर शोषण फरमान जारी किया था, जिसके चलते हम कोई झंडा बैनर से जुड़े हुए हैं, लेकिन मेरा सिर्फ एक जाति है, वो मजदूर जाति है। ये मजदूर जाति मजदूर हम सभी मजदूर भाइयों ने मिलकर चट्टान एकता का परिचय देते हुए हड़ताल को सक्सेस किए हैं। इनकलाब जिंदाबाद।